इस चैनल पर मैंने बुक समरीज अपलोड की हैं, कुछ मोटिवेशंस और स्टोरीज भी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी पर वीडियो बनाऊं, और हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं होमी जहांगीर बाबा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें इलॉन मस्क क्या करता है, बिल गेट्स ने क्या किया, स्टीव जॉब्स क्या करता था, टेलीफोन किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या किया, ये सब पता रहता है। लेकिन भारत के कुछ महान लोग हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं या तो जानते ही नहीं। तो होमी जहांगीर बाबा कौन है? ये वही हैं जिन्होंने परमाणु ऊर्जा की नींव भारत में डाली थी, और इसी वजह से भारत भी एक संपन्न देशों में से एक है। 1944 में इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना शुरू किया था। जहांगीर बाबा ने मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई की, फिर 1927 में वो इंग्लैंड चले गए और बाकी की पढ़ाई उन्होंने वहीं पर पूरी की। फिर इन्होंने जर्मनी में कॉस्मिक रेडिएशंस की पढ़ाई की और इसके प्रयोग भी किए। जहांगीर बाबा ने मुंबई में टाटा की मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव डाली। इन्हें फिजिक्स में 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन किसी कारणवश इन्हें वो पुरस्कार नहीं मिला। जेआरडी टाटा ने एक बार कहा था कि भाभा साहब उन 3 हस्तियों में से एक हैं जिन्हें मुझे इस दुनिया में जानने का मौका मिला। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे महात्मा गांधी और तीसरे होमी जहांगीर बाबा। तो वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक ग्रेट इंजीनियर और ग्रेट इन्वेंटर भी थे। इनकी डेथ के बाद 1974 में भारत में उनके प्रयोग सफल हुए और तब भारत भी एक न्यूक्लियर ऊर्जा वाला देश बन गया। लेकिन सही मायने में 1998 में जब भारत ने अपने परीक्षण पोखरण में पूरी तरह सफल किए, तब भारत भी एक न्यूक्लियर पावर वाला देश पूरे तरीके से बन गया, और इसके साथ ही होमी जहांगीर बाबा का सपना भी पूरा हुआ। तो ये छोटा सा वीडियो हमारे भारतीय महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा के बारे में था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।